मैं आपको बता दूं, आज फ्यूचर ग्रुप में अचानक से तेजी का एक माहौल बना और जो हमारे शेयर रेडता की तरफ थे वो ग्रीनता की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। और फ्यूचर रिटेल ने तो 20% का भी जंप मारने के लिए एकदम आतुर हो गया था और अच्छा सा इसके अंदर एक जंप लगा। जो इसका सर्किट बदल चुका था, 5% से 20% हो चुका था, वो इसी कारण से आज इसके अंदर भी एक उछाल आया और ये 20% को टच करने को लग गया। लेकिन जो इसकी मुख्य एक वजह जो निकल के आ रही है सर, कि कोर्ट के भारी सेटलमेंट कर लो, वो किस द्वारा कह जा रही है कि जो दो लोग हैं, बताए तो गए नहीं उनके नाम, लेकिन वो फैमिली से क्लोज हैं और उनके द्वारा ही कहा गया है कि ये कोर्ट के बाहर बैठकर बात कर सकते हैं आपस में मिलकर। ये कितनी पॉजिटिव एक न्यूज़ है और इसकी वजह से ही शेयरों में आज दा नज़र आ गई है। सर, ये जो ग्रीनता है ये आपको अब नज़र आ रही होगी रिजल्ट से, लेकिन जो इसकी ग्रीनता है सर, हमने तभी देख ली थी जब अंबानी जी का एक डील का जो करार था उसके समय अवधि थी खत्म होने वाली थी, उसको इन्होंने आगे कर लिया था, यानी कि एक्सटेंड कर लिया था, बढ़ा लिया था, तब से इसमें ग्रीनता नजर आ गई थी। जब 7-Eleven के जो स्टोरों का जो करार था फ्यूचर ग्रुप ने उससे त्याग पत्र दिया और उधर ही इसको अंबानी जी ने पकड़ लिया और इससे 7-Eleven का एक करार कर लिया और 7-Eleven का एक स्टोर मुंबई में खोल रहे हैं, ये भी एक ग्रीनता की ओर है। और कंपनी बिग बाजार अच्छा से अच्छा काम कर रही है, अपना स्टोर खोले जा रही है, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, ये भी एक ग्रीनता की ओर की एक निशानी है। और सबसे बड़ी निशानी आज एक और आ गई कि ये कोर्ट से बाहर अपना सेटलमेंट कर सकते हैं, जो कारण बताया गया है उसकी वजह से ये शेयर बढ़ा है। मैं आपको सर पहले बता दूँ सर, ये शेयर सर आपको बहुत ही जल्दी अच्छी रफ्तार के साथ आपको मिलेगा, लेकिन उस रफ्तार में जाने से पहले अभी एक सिंगापुर का भी इनका एक रिजल्ट आना है, उसका भी एक वेट किया जाएगा और डील का होने का भी एक प्रमाण आ जाए तो उसके बाद ही ये तेज़ी पकड़ेगा। लेकिन अभी जो इसका सर माहौल है, शेयरों को होल्ड करने वाला बन रहा है, बेचने वाला इस शेयर को नहीं बन रहा है। तो फ्यूचर ग्रुप में अपनी नज़र टिका के रखें, क्योंकि 1 साल से 1.5 साल से आप इसके अंदर फंसे हुए हैं और जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं उन्हें को ही पता है कि इसने कितने कोर्ट के केस झेल रखे हैं और उस झेलने के चक्कर में जो इसके जो शेयर नीचे आते जा रहे हैं उससे जिनके पास इसके शेयर थे वो कितना परेशान हुए होंगे, ये भी आपको पता लगना चाहिए। क्योंकि सब चीज़ अच्छी अच्छी अगर हमें दिख जाए वो चीज़ें हमें इस मार्केट में कभी नहीं मिलेगी।